देखें नंदिनी की मशीन में ये पापड़ हम बनाकर देख रहे हैं। नंदिनी की इस मशीन को चलाना बिल्कुल ही आसान है और आज हम देखेंगे कि इस मशीन से किस प्रकार से चावल के पापड़ बनते हैं। देखिए इस पतली शीट के बीचों बीच हमने लोई को रख दिया है, हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे दोनों तरफ और ये जो शीट है एक तरफ से लाइनिंग है एक तरफ से चिकनापन है, तो चिकनापन हम पापड़ की तरफ रखेंगे और लाइनिंग को ऊपर की तरफ रखेंगे। हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे, यहां रखने के बाद हम स्विच को ऑन करेंगे और हल्का हल्का प्रेशर हम नीचे की तरफ देंगे एक्सीलेटर से, तो बहुत ही आसानी से चावल के पापड़ भी इसमें तैयार हो जाते हैं। जितना साइज आपको चाहिए वहां तक भेजिए और फिर एक्सीलेटर को छोड़ दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। अब एक शीट को यूं हम उतार देंगे और दूसरी शीट को कपड़े पर ये रख के हम हल्का सा हाथ फेरेंगे तो यहां पर आसानी से सूखता रहेगा और ये शीट अब हमारी फ्री हो चुकी है। अब देखिए नंदिनी की इस मशीन से हमने चावल के पापड़ बनाए हैं, बहुत ही अच्छे से पापड़ इसमें नंदिनी की मशीन में बन रहे हैं। यहां पर इन्हें खींचा पापड़ भी कहा जाता है।